बाजू 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 हटो, बाजू हटो, गणपत भाई इनको पीछे रहने को बोलो। परेशान मत होइए, सुरक्षा बहुत तगड़ी है आपके लिए। ये बात है मंत्री जी, ये हर रोज आपके लिए रहेंगे। दो हफ्ते पहले जब मैं आया था तब यहाँ ऑर्डिनरी पुलिस वाले ही थे। आप फिक्र ना करें सर, कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर आप। मेरा भी आने का मन करता है भाई, लेकिन टाइम कहाँ है? वो सब ठीक है, इसके बाद का क्या प्रोग्राम है? बांद्रा जाने का प्रोग्राम। अच्छा, वहाँ स्कूल के फंक्शन में शामिल होने के लिए। क्या सुनो, जब मैं 5 साल का था तभी गया था, उसके बाद अभी तक मैं नहीं गया। सुनो, जब तक मैं नहीं बुलाऊंगा तब तक मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। यहीं पर खड़े रहो, ध्यान से दो भाई। ये लीजिए। साहब, साहब जी नमस्ते, ये लीजिए तोहफा। है दिया, अब मैं मिनिस्टर बन गया हूँ, मगर लोगों के लिए, लोगों के लिए। और आपके लिए पुराना चिंतन राजी हूँ, आपके पैरों के पास पड़े रहने वाला कुत्ता। साहब साहब, पैर दीजिए ना, आपका आशीर्वाद चाहिए एक बार सिर्फ। साहब साहब साहब, हाँ इतना काफी है साहब। हाँ मिल गया, हाँ आशीर्वाद मिल गया, इतना काफी है। साहब जी, शपथ ग्रहण समारोह खत्म होते ही तुरंत मंदिर जाना चाहिए, ऐसा ज्योतिषी ने बोला था, तभी तो सीधा यहाँ मैं आ गया हूँ। आप ही है मेरे भगवान सर, आप ही है मेरे भगवान। और एक महीना बस, आप बाहर आ जाएंगे। डिविजन बेंच में पूरे 5 लोग है, उसमें 2 लोग न्याय न्याय बोल के चिल्लाएंगे। चिल्लाने दो साहब, हमें क्या, हमारे लिए तो बाकी के 3 लोग काफी है, फैसला हमारी तरफ ही होगा। पावर अब तो हमारे हाथों में है ना, आज से हमारा ही राज होगा। नहीं नहीं, आपका राज होगा, आप ही का। और कुछ चाहिए तो बोलिए जी। है? 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 महिला संघ में विजय रानी नाम की कमाल की चीज आई है, कहो तो ले आऊं क्या? मुझको जो चाहिए पहले वो बताओ, वो मिला क्या? नहीं, 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 मिला क्या तुम्हें? कहाँ है वो? बताओ, अरे बताओ किधर है वो? कुछ लोग पानी की समस्या लेकर आपसे मिलने। नमस्ते। 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 घर का सामान, यहाँ तक कि मंगलसूत्र भी बेच के वो जमीन खरीदी थी। फसल का समय आया तो वो लोग पानी नहीं छोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे साहेब? छोटे सरकार, पाल की कीमत नहीं मिल रही, फसल के सिवा काम और कोई नहीं, ऐसे हालात में अगर पानी भी नहीं छोड़ा तो
हम सबको आत्महत्या करनी पड़ेगी, आप ही कुछ कीजिए। साहब, साहब जी, हम फायदा नहीं मांग रहे हैं जी साहब, मगर हमने जो अपनी मेहनत की कमाई डाली है वो मिल जाए काफी है, यही सोच के तड़प रहे हैं। ऊपर से ये पानी की समस्या आ गई है। जो उनसे जवाब मांगता है तो पानी नहीं है बोल देता है। आप बस एक बार हाँ कर दीजिए, उसका सर उड़ा दूंगा। साहब, हम पूरे गांव को खाना खिलाते हैं, लेकिन आज हमारे ही घर में चूल्हा नहीं जलता है, आप ही कुछ कीजिए साहब। वहाँ तालाब में पानी भरा हुआ है, फिर भी हमारी फसलों के लिए पानी नहीं दे रहे हैं, ये कैसे बेइंसाफी है। सरकार, सरकार, हम बर्बाद हो गए सरकार। उन्होंने जबरदस्ती पानी को रोक कर रखा है, हमारे लिए पानी नहीं छोड़ रहे। जब हमने पानी छोड़ने के लिए कहा तो सारे गुंडे इकट्ठे होकर हमें मारने आ गए। आप आकर इंसाफ कीजिए सरकार, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। चाहे कोई भी आकर बोले, हम इस तरफ पानी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसे नहीं खोलेंगे, फिर भी कोई खोलने के लिए बोला तो यहाँ पानी नहीं बल्कि खून की नदियाँ बहेंगी। पानी मांगा तो खून की बात करते हो, तुम्हारा तो बहुत बड़ा दिल है। ओए, ये सब किसी और के पास जाके बोल। ये बात नहीं है जी, सुनो, गर्भवती औरत को खाना न देकर मारना और फसल को पानी न दिया तो दोनों बर्बाद हो जाएंगी। पानी, 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 बंद करो ये सब। सुनो, तुमको पानी चाहिए ना, 1 लीटर पानी 15 रुपए में, पानी की कीमत दूध के बराबर है, जानते हो ना। देखो भाई, हवा और पानी सभी के लिए है और उसी से ये लोग जी रहे हैं, उसको रोकना गलत बात है। ए, 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 ये पूछने वाले तुम कौन हो? इस गांव में तुम कल के छोकरे हो, मगर हमारे दादा परदादाओं के समय से हम यहाँ पर हैं। देखो, इन छोटे मोटे कुली मजदूरों को भड़का के तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो। देखो, ये कुली मजदूर ही नहीं, गांव के समझदार लोग हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ए, ये सब कुछ समझता हूँ, बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं, जब से तुम इस गाँव में आए हो मुसीबत बन गए हो। मुसीबत तो आप है, हम तो यहाँ आराम से रहते हैं, इससे आपको परेशानी हो रही है। हाँ, हमको पानी चाहिए, शराफत से देंगे तो बेहतर। जानते हो किससे बात कर रहे हो? राणा, छोड़ो भी राणा, छोड़ दो। प्रणाम, नमस्ते सबको, ठीक ठाक तो है? आप लोगों को हर बार गांव में पानी नहीं है बोलने की आदत पड़ गई है, ये प्रॉब्लम कब खत्म होगी पता नहीं। नमस्ते, नमस्ते, आप लोग जरा शांत हो जाइए, शंकर पांडे दोनों गुटों में न्याय होना चाहिए, जरा मेरी बात तो सुनो। तेरी क्या बात सुनूं? मैं कहता हूँ पानी नहीं है तो नहीं है। आप कौन होते मना करने वाले? आपका जो मंत्री है वही मंत्री हमारा भी है, राष्ट्रपति भी एक ही है और मुख्यमंत्री भी सबका एक ही है, उनको आके बोलने दो तो हम चले जाएंगे, तब तक। राणा, क्या भाई ये सब, छोड़ो, बात करके सुलझा लेते हैं, बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? क्यों भाई, ये लोग सब कौन है? हमारे सगे संबंधी भाई बहन हैं। इनको अगर पानी न दे तो कैसे? हम कल मिनिस्टर के पास जाकर बाकी सब काम करवा लेंगे, तुम पहले पानी छोड़ने के लिए कहो दोस्त। है, जल्दी छोड़ो पानी को। तू पार्टी का सेक्रेटरी मेरे पैसों से बना, तू एमएलए भी मेरे पैसों से बना, आज एक काम करना पड़ रहा है तो नहीं कर रहे हो? कहीं से वो हमारे गांव में बसने आ गया, वो अपना हो गया क्यों? उसको सब कुछ उठा के बांट दिया, गांव वालों के सामने इज्जत निकाल दी तुमने। वो तो कब की चली गई है। आने दो, इलेक्शन को आने दो। भैया भैया, तुम्हें इस तरह जल्दबाजी में बोलने की आदत सी पड़ गई है, पैसा पैसा तुम जो कहते रहते हो ना, वही तो बच गया तुम्हारे पास, लेकिन वो ऐसा नहीं है। हाँ, बुद्धि यूज कर रहा और अपना काम भी निकलवा रहा है। गांव वालों के सामने उसने ऐसे हाथ हिलाया कि वे लोग मुर्दों की तरह ऐसे लेट गए जैसे किसी सांप ने सूंघ लिया हो उन्हें। उसकी बातों में न्याय है और वो भला काम भी कर रहा है, हम थोड़ी वैसे ही हैं। नमस्ते। क्यों डिब्बे? हाँ। आज कुछ नाच गाने का प्रोग्राम है नहीं? उसके बगैर गुजारा कहाँ, अंदर चल रहा है। क्यों रे? हाँ। पिछली बार वाकई तूने इस बकरे को मारा था या वो बकरा खुद अपनी मौत मारा गया था? क्या बताऊँ, 2 दिन तक पेट में गड़बड़ होती रही। वो कैसे, आपने इतना सही पहचान लिया? जले पे नमक छिड़कता है साला। इस पर आप क्यों गुस्सा दिखा रहे हैं साहब? इसको मारने के जैसे अगर उस पर एक हाथ उठाई तो मानू। वो सब छोड़ो जी, तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, तुम्हारे दादाजी ने अंग्रेजों को आइडिया देकर राय बहादुर का खिताब हासिल किया था, वही खून तो आज भी है तुम में, वही बुद्धि इसके मामले में अगर तुम इस्तेमाल करो तो मैं जानू, समझे नहीं?
उसके आगे तुम गुस्सा छोड़ के उसके पीछे से वार करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, बाकी मैं संभाल लूंगा। आगे बढ़ो। खूब हुई है फसल, पिछले साल से तो बेहतर है। थोड़ा बहुत भाग सुखा रह गया पश्चिमी भाग में, अगर पानी की प्रॉब्लम होती तो वो भी अच्छी होती। चलो, एमएलए साहब ने कहा है कि मंत्री से बात करके परेशानी दूर करेंगे। एमएलए ने कहा तो जरूर हो जाएगा, हो जाएगा। अंकल, मैं बच्चे को पकड़ने जा रही हूँ। ए छोटी, संभल के, नीचे गिर जाओगी। ए, वो कबूतरों के लिए, चलो जाओ यहाँ से। जब देखो खाते रहते हो। दो दाने डाले ना कि मुझे चिक-चिक करने लगे। नमस्कार, आपसे मिलने आए हैं। अरे हमारे गांव के काली मंदिर में 20 साल से ट्रस्टी बने हुए हैं वो बड़े बंगले वाले। हर साल यहाँ मेला वगैरह साफ होता है, उसका हिसाब किताब हमने कभी नहीं मांगा और उन्होंने दिया भी नहीं। अरे उनको भगवान के भरोसे जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन उस दिन पानी देने के बदले जो रुलाया हमको, इससे उनके लिए इज्जत भी चली गई। अब आपको ही ये जिम्मेदारी संभालनी होगी। देखिए, कोई भी जिम्मेदारी संभालना आसान काम नहीं है आजकल, समय होना चाहिए और ऊपर से बहुत सारा तजुर्बा भी। देखिए, मुझे इस सब में मत घसीटिए, अगर कोई काम वाम करवाना हो तो बोलिए, वरना मुझे ऐसे ही रहने दीजिए। तुम ऐसे मत बोलो बेटा, तुम्हारे आने के बाद ही इस गांव के लोगों की खुशियां लौटी हैं। तुम हमारे साथ रहकर जिम्मेदारी निभाओ बेटा। ये कोई एमएलए या एमपी की कुर्सी नहीं है जी, ये इज्जत और मान मर्यादा के लिए तोहफा है जी। यही तो, हम लोगों की कमजोरी है कि कोई हमें रुपया या कपड़ा देगा तो बस हम उसकी जय जयकार करना शुरू कर देते हैं, वोट डालकर उसे लीडर बना देते हैं, वो अपना काम निकाल के हमें भूल जाता है और हम फिर वहीं के वहीं। मैं आपके साथ मिलकर रहना चाहता हूँ, आप लोगों को अपनाना चाहता हूँ, पदवी या कुर्सी वगैरह देकर मुझे अलग मत कीजिए। जैसी आपकी मर्जी, चलते हैं सरकार। ठीक है सरकार।